हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत आज की इस वीडियो में, जहां मैं बात करने वाला हूं हीरो मैवरिक 440 के बारे में। ये हीरो की तरफ से लेटेस्ट मोस्ट पावरफुल ऑफरिंग मोटरसाइकिल है 440 सीसी में। जनरली इसका जो इंजन है या जो मैवरिक बेस्ड है वो हार्ले डेविडसन एक्स 440 पे बेस्ड है, बट हम बात करने वाले हैं आज हीरो मैवरिक के बारे में। तो इसमें पर्टिकुलरली आपको तीन मॉडल देखने को मिलते हैं, एक जो कि हमारा बेस वेरिएंट हो गया, एक मिड वेरिएंट हो गया, एक टॉप एंड वेरिएंट हो गया। हमारे सामने आप जो वेरिएंट देख पा रहे हो ये मिड वेरिएंट है, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 214,000 है, और अगर आप इसे ऑन रोड परचेस करते हो तो 260,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे ऑन रोड कीमत में। अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो आपको 11,000 का फर्क आता है, तो मतलब टॉप एंड वेरिएंट से 11,000 रुपये सस्ते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हमारा यही बन जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिकता भी यही है। तो सारी चीज़ बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में, हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो अगर हम सबसे पहले फ्रंट से शुरुआत करें तो यहाँ पर आपको कंप्लीटली LED सेटअप में लाइट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर सेटअप में लाइट्स रखे गए, यहाँ पर आपको बाइक रिफ्लेक्टर हो गए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा एच शेप का DRLs आपको कंपनी ऑफर करती है। एज रेगुलर जैसा हीरो की हर एक गाड़ी में हम देखते हैं उनका अपना एच सिंबल में DRL ही होता है। यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल टाइप में आपको LED में टर्न इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। और जो आपका फ्रंट मडगार्ड है ये आपका फाइबर का है। यहाँ पे फ्रंट में बात करें तो आपको टेलीस्कोपिक शॉक अब्जर्वर देखने को मिल जाता है, बाइबर का आपको कैलिपर है, ब्रेक की बाइट भी इसकी अच्छी है, और फ्रंट और रियर में दोनों में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। यानी फ्रंट में भी ABS है और पीछे में भी कंपनी आपको ABS ऑफर करती है। तो ब्रेकिंग के मामले में एज सच कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर एज अ सेफ्टी कंपनी आपको ऑफर करती है। अगर अलॉय के डिज़ाइन की बात करेंगे तो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन ऑफकोर्स रखा गया, चाहे आप गाड़ी को भी देखोगे तो थोड़ी नेकेड भी है, लेकिन कहीं ना कहीं से मतलब एक जो हैवीनेस का फील आता है ना उसमें ये झलकता है मैवरिक 440 में, ठीक है। बाकी टायर सेक्शन की बात करें तो MRF का ट्यूबलेस टायर आपको कंपनी ऑफर करती है, 110/70R 17 इंच के आपको यहाँ पे टायर सेक्शन रखे गए। ग्रिप आपको कुछ इस तरह के देखने को मिलती है, लेकिन जैसे आप पीछे वाले टायर की तरफ जाओगे तो आपको देखो काफ़ी मतलब वाइड टायर सेक्शन देखने को मिलता है। 150/60R 17 इंच के आपको यहाँ पे टायर रखे गए, और इसकी जो ग्रिप है ना, मतलब जनरली मेरा जो एक्सपीरियंस है इस टाइप की जो टायर के ग्रिप होती है ना, मतलब अगर आप कॉर्नरिंग करते हो, थोड़ा लीन करते हो, तो इस टाइप के जो ट्रेड होते हैं आपको काफ़ी संभाल लेते हैं ना। जैसे कोई कई बाइक में होता है कि मतलब C8 वगैरह के आप टायर देखो हो गए तो उसमें अलग ट्रेड होते हैं, वो जनरली हमारा ऑफ रोडिंग के लिए ही काम आता है। बट ये जो टायर होते हैं ना, मतलब थोड़े अगर रास्ता ख़राब भी है तो उसमें भी हैंडल हो जाते हैं, और अगर थोड़ा आपको लीन वगैरह करना है तो इस जो ग्रिप होती है इस टाइप की टायरों में वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इंजन की तरफ आते हैं और बात करते हैं, तो यह है 440 सीसी का इंजन, जो कि आपको प्रोड्यूस करता है 27 BHP और 36 Nm का टॉर्क। बट इस इंजन का एक डिमेरिट ये है कि ये लिक्विड कूल इंजन नहीं है, ये ऑयल कूल इंजन है, तो आपको हीट ऑफकोर्स पैरों में थोड़ी महसूस होगी। जैसे आप पैर यहाँ पे रखोगे ब्रेक लीवर पे, चाहे आप गियर लीवर पे पैर रखोगे, तो आपको हीट ऑफकोर्स महसूस होगी अगर आपने फुल पैंट नहीं डाल रखे। और बाकी यहाँ पे एक्स करके यहाँ पे टॉर्क इन्होंने अपना एक्स सिंबल डाल रखा है, तो हीट को लेके थोड़ा सा इशू रहता है इसमें। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत आपका पैर जलेगा, लेकिन हाँ हीट आपको महसूस होगी, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे नेकेड टाइप का थीम दिया गया, और ऑफकोर्स लिक्विड कूल नहीं होने के कारण ऑफकोर्स हीट तो थोड़ी होगी ही। बाकी बात करें मतलब बैठने वगैरह में कैसी है, तो मेरी हाइट है 5'9", उस हिसाब से बाइक बिल्कुल कंफर्टेबल है बैठने में। अगर मैं बात करूँ हार्ले डेविडसन एक्स 440 पे ना, तो उसमें जब मैं बैठता हूँ तो जो आपके ये जो हैंडल लिवर है ना, वो काफ़ी मतलब जो आपके हाथ होते हैं काफ़ी वाइड हो जाते हैं, मतलब एक तरफ इधर एक तरफ इधर, तो वो इसमें काफ़ी बैलेंस तरीके से रखा गया, तो ऐसा नहीं लगता कि आपके कहीं नीज़ वगैरह में, घुटनों में, चाहे आपके एल्बो में, या फिर कहीं पे भी आपको ऐसा जोर नहीं लगता है ना, कंफर्टेबल हो जाती है। बाकी यहाँ पे तो आपको एक बैकरेस्ट देखने को मिल जाता है। पीछे में बात करें तो यहाँ पे अगेन थोड़ा सा आपको एच शेप का यहाँ पे थीम रखा गया, जैसे आप ब्रेक लगाओगे तो कम्प्लीटली कवर हो जाएगा, तो एच शेप का आपको यहाँ पे टेल लैंप रखा गया LED में है। यहाँ पे हीरो की ब्रांडिंग रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको राउंड शेप में यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, बीच में आपको यहाँ पे प्यारा सा हीरो का लोगो देखने को मिलता है चिंटू मिंटू। यहाँ पे LED आपको सेटअप लाइट्स देखने को मिलते हैं नंबर प्लेट्स के लिए। तो अर्गोनॉमिक वाइज बात करें ना, तो देखो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आपके मतलब हाथ के रेंज के बारे, चाहे बात करो पास लाइट स्विचेस के बारे में, इंडिकेटर के बारे में, हॉर्न के बारे में, यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको हज़ार टाइप का बटन, तो सारे जो बटन है आपके एकदम बिल्कुल रेंज में है। यहाँ पे बात करो तो मोड्स वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप सेट वगैरह कर सकते हो। बाकी यहाँ पे एक 12 का आपको चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है, अगर आप लॉन्ग ड्राइव करते हो इस बाइक से तो फ़ोन वगैरह आप चार्ज कर सकते हो। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13 point something है, तो उस हिसाब से मतलब देखा जाए माइलेज वगैरह कैसे निकल के आती है, तो देखो अगर आप बहुत अच्छे से चला रहे हो गाड़ी को ना, मतलब ज़्यादा रेव नहीं कर रहे हो, प्यार से बिल्कुल चला, तो गाड़ी नो डाउट आपको 40 का एवरेज आराम से निकाल के देगी। लेकिन जनरली जो कंपनी क्लेम करती है वो 35 का क्लेम करती है, तो मैं पकड़ के चलता हूँ 30-40 के बीच में आप इस गाड़ी से आराम से माइलेज निकाल पाओगे। बाकी बात करें यहाँ पे जो आप लीवर देख पा रहे हो, तो इसका मतलब बहुत से लोगों को नहीं होता, एक एक्सेलेरेशन के लिए काम आता है और एक डी एक्सेलेरेट करता है, मतलब
जैसे हमने इंगेज किया ना इसको, तो एक तार से तो ये इंगेज हो गई। हाँ, दूसरे आपको ये क्या काम करती है, रिटर्न का काम करती है, मतलब जो एक्सेलरेशन है थ्रॉटल की जो रिस्पॉन्स है वो बढ़िया करके देती है। बाकी बाइबर के कैलिपर तो ब्रेक बाइट तो तगड़ी हो गई होगी। चाबी मैं आपको दिखाना भूल गया, तो आपको कुछ इस तरह की वेव पैटर्न में आपको, सॉरी आउट ऑफ फोकस हो जा रहा है कैमरा, वेव पैटर्न के आपको यहाँ पे चाबी देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे आपको जो स्विचेस वगैरह हो गए क्लचेस के, वो आपके यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे सीट कुशनिंग की बात करें तो बिल्कुल सॉफ्ट है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक बार बैठ के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो मेरी हाइट है 5'9" जैसे मैंने बताया, और इस हिसाब से देखो मतलब मेरी जो थाई है कम्प्लीटली इसमें फिट हो जा रही है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि कोई मेरे जो पैर वगैरह वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल एडजस्ट हो जा रहे हैं। चाहे आप इधर से भी बात करोगे तो यहाँ भी आप देखो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। जो ये हाथ की जो पोजीशन है वो भी बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट है, तो कंफर्टेबल आप राइड इस मोटरसाइकिल से ऑफकोर्स कर सकते हो। बाकी यहाँ पे बात करें क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है, तो सबसे पहले एक बार मैं बंद करते हूँ और इसको ऑन करता हूँ। तो कॉल मैसेज अलर्ट वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे गियर इंडिकेटर हो गई, यहाँ पे स्पीडोमीटर हो गई आपकी, यहाँ पे RPM वगैरह शो का, यहाँ पे स्टैंड लगी, वो सारी चीज़ें न्यूट्रल, यहाँ पे हज़ार्ड लैंप के इंडिकेटर हो गए। आपके मोड्स वगैरह में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी ट्रिप ए एवरेज होगी आपकी, यहाँ पे रेंज कितनी बाकी रहेगी, 6 किलोमीटर गाड़ी चली है, तो ये सारे बेसिक चीज़ आप एक्सेस कर सकते हो। बाकी टाइम वगैरह सेट करना तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें कर सकते। खैर हमने फीचर वगैरह के बारे में बात कर ली, क्या क्या आपको फीचर कंपनी ऑफर करती है, कैसे लुक है, बट अब एक्चुअल में इसकी गाड़ी की जो एग्जॉस्ट नॉट है वो कैसी है वो चेक करते हैं हम यहाँ पे। क्या बाकी 440cc वाला कुछ फील है या फिर नहीं वो भी चेक करते हैं। तो ये आप आइडल में सुन रहे हो इसकी आवाज़, आप थोड़ा रेव करते हैं मोटरसाइकिल को, तो थोड़ा सा आपको दबदबा वाला तो आवाज़ ये ज़रूर देती है। हालांकि सिंगल एग्जॉस्ट है, लेकिन जैसा हमने रॉयल एनफील्ड की गाड़ियों में देखा ना जनरली 500cc में, उस टाइप का आपको एग्जॉस्ट नॉट आप फील कर पाओगे। मतलब जो एक होता है ना कि गैसेज जो निकलती है एग्जॉस्ट से, मतलब एक फील आता है कि हाँ कुछ चीज़ अंदर से निकल रही, बिल्कुल उस टाइप का आपको यहाँ पे फील आने वाला है। बाकी गाड़ी तो बिल्कुल कम्फर्टेबल है मेरे हिसाब से, बैठने वगैरह के मामले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप राइड भी करते हो तो ब्रेकिंग वगैरह बहुत सही है, क्योंकि बाइबर का आपको कैलिपर देखने को मिलते हैं। सेफ्टी में डुअल चैनल ABS कंपनी ने डाल रखा है। यही कुछ बातें थी दोस्तों हीरो मैवरिक 440 के बारे में। उम्मीद करता हूँ हमारी ये छोटी सी रिव्यू आपको पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर करें लाइक। जब भी बाइक चलाएं हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, कार ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। मिलते हैं एक नए फ्रेश वीडियो में, टिल देन टेक केयर।